भाई लोकेशन देख के समझ जाओ, जलेबी फाफड़ा। ए हेलो, हम लोग गुजरात में हैं। तबीयत अभी भी थोड़ी ख़राब है, सर में दर्द है बहुत तेज। और वैसे मैं उठ गया था पहले ही, बट मेरा मन ही नहीं गया फ़ोन खोलने का। बट स्टिल वी आर इन अहमदाबाद, बस का है सेकंड स्टॉप। अब 7:30 बजे ब्रेकफास्ट करने के लिए रुक गए हैं भाई। अब कैसे किया जाए ब्रेकफास्ट 7:30 बजे? हाउ इज दैट पॉसिबल? इस चक्कर में मुझे चाय से काम चला है, तो कुछ खाने के लिए ले लिया है। आगे भूख लगेगी तो देखेंगे। ऐसा सोच सोच के हमने बस में सामान इकट्ठा कर लिया भाई। भाई रात में जो सिचुएशन हुई ना, मैं बता ही नहीं सकता भाई। फीवर हो तो घर पे हो, ऐसे टाइम पे ना हो भाई। ऊपर से एसी चल रहा था, मैंने पूरा एसी बंद कर रखा था, फिर भी इतनी ठंड लग रही थी। हमें पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था। और लेसन ऑफ द डे मेरे को मिला रात को कि भाई कहीं भी जाओ, एक टॉवल या एक शॉल तुम्हारे पास होना ही चाहिए। भाई रात को मैं बता नहीं सकता कैसे कैसे सोएगी। तो भाई ये जो सामान ले मैं इकट्ठा करे जा रहा हूँ, बट मेरे को ये पता नहीं है कि खाऊंगा कब मैं इसको। रात को ये सोच के लिया था कि भूख लगेगी तब खाऊंगा, अभी तक नहीं लगी भाई, सच्ची नहीं लगी। ये सामान सब घर जाएगा। बाकी हम थे इस वाले ढाबे पे, ये है अहमदाबाद, ठीक है। ये गाठिया वाठिया बटाटा पोहा देख के तुम समझ गए होंगे कहाँ है वो। एंड ये देखो सारे कपड़े वपड़े मैंने रात को पूरे निकाल के ऐसे देख रहा था कि कौन कौन सा मेरा ठंड से कुछ बचा सकता है, तो सब कुछ मैंने निकाल के बाहर रखा हुआ। ओ भाई अब सारे कपड़ों को समेटूंगा, एक बैग में डालूंगा, ठीक से बैठूंगा। सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई तो तुम समझ नहीं सकते रात को। ये तो मैं था, कोई और होता ना जान निकल जाती उसकी। देख लो यहाँ देखो, ये जो बिलबोर्ड्स हैं और कुछ शॉप्स भी है ना, उनके भी ऊपर इनके नाम बिल्कुल ऐसे गुजराती में लिखे हैं। वो देखो एक शॉप यहाँ पे, इसका भी नाम गुजराती में लिखा है। बताओ यार हद होगी, ये तो रास्ते का नाम भी गुजराती में लिखा है। अब अगर कोई आदमी ऐसे घूमने फिरने आए उसको तो समझ में नहीं आए, पॉइंट है ना। तो ना सिर्फ और सिर्फ गुजराती में लिखा है, ना साथ में हिंदी है, ना साथ में इंग्लिश है। दे आर ऑब्सेस्ड विद देयर लैंग्वेज, बट स्टिल इनको एक लैंग्वेज और ऐड करनी चाहिए ताकि कोई अगर आए तो उसको समझ में आ जाए। इनका तो क्या है, ये तो गुजराती है, इनको गुजराती समझ में आएगी। जो मोदी जी के बिल बोर्ड पर भी इन्होंने गुजराती लिख रखी है, ठीक है। अब अमिताभ बच्चन को गुजरात पता नहीं कैसा लगा होगा, तो उन्होंने बुलाया हम आगे, ठीक ठाक लग रहा है भाई। राजस्थान और गुजरात में मेरे को ज़्यादा कुछ ऐसे फर्क दिखा नहीं भाई, वही रेत है, वही खेत है, वही घर है, वही रोड है। तो ऐसा लग ही नहीं रहा किसी दूसरे स्टेट में आ गए, जैसे राजस्थान ही चल रहा है, जैसे कुछ ज़्यादा फर्क ही नहीं दिख रहा है। फिर से ठंड लगते हुए, फिर से शरीर दुखते हुए, वो पानी दिए खिड़की से,
भाई ये एरिया ना बिल्कुल हिमाचल का सा एरिया लग रहा है मेरे को, ऐसे पहाड़ वहाड़ हरियाली। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दुनिया भी चल रही है भाई नीचे, मैं उठने के आलस सो रखा ना मेरे को, तो मैं ठीक से दिखा नहीं पा रहा, बट सच्ची बता रहा हूँ पहाड़ों के बीच से नदियाँ चल रही है यार। बढ़िया लोकेशन है यार, वाओ। भाई मेरी कंडीशन खराब से खराब हो ही जा रही है, अब तो 11 बजे 6 बजाने हैं अभी, 5 मिनट कैसे निकल रहे हैं मैं ही जानता हूँ। 6:30 बजे पहुँचनी है बस जयपुर। आई एम डेड भाई, मेरा सबसे गंदा एक्सपीरियंस रहने वाला, मतलब इस बस का एक्सपीरियंस नहीं, मेरी बॉडी का एक्सपीरियंस कि मैं ऐसे टाइम पे बीमार हूँ भाई। किसी जगह पे होता स्टे लेके रखा होता तो भी चलता था, ऑन गोइंग बस में बीमार हो गया कमर दुख रही है, खांसी आ रही है, सर दर्द हो रहा है, नथिंग टू से, टैबलेट्स ले नहीं मिल रहे हैं। तो भाई अभी नेक्स्ट स्टॉप पे रुके हैं, थैंक गॉड मुझे धूप मिल रही है, धूप में बैठा हूँ भाई बहुत अच्छा लग रहा है भाई। आज तो गया भाई पीछे से ढाबा है, मैं यहाँ धूप में बैठा हूँ। तो भाई मैं एक रिस्क लेने जा रहा हूँ, वो बात है मेरे बचपन की, जब मेरे को बुखार उठती थी तो मैं मार्केट जाके आइसक्रीम खाया था और पता नहीं क्यों मैं ठीक भी हो जाता था, इसी उम्मीद से मैं लाया हूँ ये आइसक्रीम। मैं देखो या तो ज़्यादा ख़राब होऊंगा या बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, रिस्क अपने को देना ही पड़ेगा, ठीक है। कंडीशन बात की बाद में बताऊंगा, अब 2-3 घंटे चांसेस है कि मैं ठीक हो जाऊँ। गॉड ब्लेस।